देखिए मैं ओलेस्ट्रीन के काफ जो कि बहुत लोवाक्साक्स सीमेंट यूज़ कर रहे हैं तो काफ़ी महंगा सीमेंट आता है और वो जिनोमिक भी है तो उसके काफ जो होते हैं आप उनको जो है वो काफ़ी स्टार्टर पर रखिए मतलब तीन दिन तक तो उन्हें कोलेस्ट्रम पिलाइए उसके बाद उनके पास काफ़ी स्टार्टर रखना शुरू कर दीजिए जा। और जब वो काफ़ी स्टार्टर जो है एक किलो काफ़ी स्टार्टर खाने लगे तब आप उनको जो है वो बंद कर दिया दूध तो उससे आपकी काफ़ी बचत होगी काफ को जो है वन टेंथ ऑफ द बॉडी वेट मतलब वो चालीस के जी का चार किलो दूध पिलाएंगे इसकी कीमत जो है वो दो सौ रुपये हो जाती है और काफ स्टार्टर से आपकी बड़ी बचत होगी अगर काफ़ स्टार्टर अवेलेबल है तो आप बना बनाए ले लीजिए हमेशा आप पचास परसेंट मक्का और पच्चीस परसेंट खल और ओट वोट का वो जो है छिलका 24 परसेंट ओट का छिलका और 24% परसेंट नहीं आप मतलब 23 परसेंट ले लिए, 2% परसेंट जो है मिनरल मिक्सर डाल दीजिए तो इस तरह आप जो है जब वो पशु जब आपका काफ जो है तीन किलो खाने लगे तब उसको चारा देना शुरू करिए पर उसको पानी हमेशा दीजिए और कीड़े की दवाई दीजिए उसको 5 एम पर के बॉडी वेट के हिसाब से पहना आप देते रहिए उसको अगर हाई टेम्परेचर हो जाता है तो सेलेरिया की दवाई मिलती है बाजार में जुम्म्य छोटा वाला सत्तर रुपए का वो लगा दीजिए फ़ौरन क्योंकि आप वैक्सीनेशन कर नहीं सकते और सेलेरिया से ये काफ़ी मर जाते हैं उसके साथ साथ अगर आपके पशु को नेवा लेल उसकी रूढ़ सूझ जाती है या उसको डायरिया हो जाता है या उसको निमोनिया हो जाता है तो आप उस अवस्था में उसको कोबेक्टान का इंजेक्शन लगाइए कोबेक्टान वो दो एम लगता है पचास के जी पे तो तीन चार दिन आप लगाएंगे तो वो ठीक हो जाएगा तो को मैंने आपको याद था कोबेक्टान का इंजेक्शन और थेरिया से बचने के लिए रोमियन का इंजेक्शन और, और यह है कि उसे कीड़े की दवाई दीजिए और उसके पास पानी अवश्य रखिए उसका टेम्परेचर भी जिस कमरे में वो रह रहा है वो पच्चीस और तीस डिग्री सेंटीग्रेड के देखिए अब पशु लाना बहुत मुश्किल है और अच्छा पशु कोई अपना बेचता भी नहीं है जैसे आपके बटुए में अगर कुछ नया नोट है तो आप उसे नहीं देंगे पुराने नोट देंगे तो जो आप पशु ला रहे हैं तो अगर वो छोटा कृषक है तो वो जिनोमिक सीमेंट यूज नहीं करेगा अगर बड़ा कृषक है तो वो अपने जो बेकार के जानवर है उनको पहले निकालेगा और उनको आपको दे देगा तो ये जो जेनोमिक बच्चे पैदा होते हैं जो कि बहुत दूध देते हैं जो जिसकी पहली बार की बचियाई पच्चीस महीने में गया हो गए वह तो वो दूध देने लगती है ये तीस पैंतीस लीटर देते हैं और इसकी जो जो गाय है वो तो पचास पचास लीटर तक दूध देती हैं आपने सुना इसके लिए धन्यवाद मैं ऑनलाइन डेयरी ज्ञान चलाता हूँ तो आप कोई भी विषय हो उसको बताएं मैं सहर्ष जो है आपके लिए वीडियो बना दूंगा मैं वैसे यूट्यूब पर मेरे करीब सात सौ पचास वीडियो हैं तो आपने सुना धन्यवाद मेरा टेलीफोन नंबर एट नाइन सेवन नाइन सेवन फोर एट सिक्स एट सिक्स है और आप किसी भी उसमें ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं ए हमारे पास कैमरे वाली ए आई गन की ट्रेनिंग भी देते हैं वो भी ऑनलाइन है उसके लिए आप सेवन नाइन सेवन नाइन एट फोर एट थ्री थ्री टू पर संपर्क करिए धन्यवाद आपने सुना